हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राखीस किचन कॉर्नर। आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड डिलीशियस पनीर के पकौड़े। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर दे, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। पनीर के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है और साथ ही हमने इसे बड़े साइज़ में कट कर लिया है। अब हमारे सारे पनीर हमने अच्छे से कट कर लिया है और साथ ही अब हम इसके ऊपर हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच रेड चिल्ली पाउडर हम इसके ऊपर डालेंगे और साथ ही हाथों की सहायता से इसे हम पलटते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम बेसन का घोल बनाने के लिए हमने एक बाउल में एक कप बेसन ले लिया है और साथ ही हमने इसमें एक चम्मच कर्ड यानी दही ऐड किया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी 1/4 स्पून, 1/4 स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून धनिया पाउडर, खड़ा जीरा 1/4 स्पून और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अपनी रोस्ट की हुई कसूरी मेथी। इन्हें अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें, एकदम से पानी को ना डालें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन और इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और फाइनली हमने इसमें ऐड किया है ढेर सारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से इसमें एक बहुत अच्छा ही फ्लेवर, बहुत अच्छा ही टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और साथ ही जब इसमें पनीर में जब धनिया पत्ता की कोटिंग आती है तो ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो धनिया पत्ता इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जो पनीर को डिप किया है तो पनीर की कोटिंग ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हमारा बैटर थिक होना चाहिए ना थिन होना चाहिए, बस बैटर ऐसा होना चाहिए कि पनीर में इसमें बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करके आप फ्लेम को मीडियम कर ले, नहीं तो हमारे पकौड़े जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने इसमें एक एक पकौड़े डालना शुरू कर दिया है। तो पकौड़े दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमने ना तो बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, ना तो बेकिंग सोडा यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया है और हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे, मतलब फुल के निकलेंगे, अच्छे साइज़ हो जाएंगे हमारे पकौड़े के और पकौड़े भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और पनीर के पकौड़े तो वैसे भी बहुत टेस्टी होते हैं, हर किसी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो अब हम अपने पनीर को हल्का सा सेट होने के लिए देंगे और आप एकदम से पनीर को ना पलटें। एकदम से आप पनीर को पलटेंगे तो पनीर बहुत ही नाजुक होता है तो इसके क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से जब ये सेट हो जाए तो आप इसे पलटना शुरू करें। तो अब मैंने इसे एक तरफ से पलट के दूसरी तरफ इसे हम अच्छे से पकाएंगे और हमारी जब पनीर बहुत अच्छे से पक जाएगी तो इसमें एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। पनीर को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी पनीर बहुत अच्छे से फ्राई होने लगी है, बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है, बहुत अच्छा ही दिख रहा है हमारा पनीर का पकौड़ा। तो हमारे पनीर के पकौड़े बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे फटाफट बाहर कर लेते हैं।
अब इसी तरह हम अपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। फटाफट से हमारे दूसरे बैच के भी पकौड़े एकदम अच्छे फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसे भी बाहर कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी है हमारा पनीर का पकौड़ा एंजॉय करने के लिए। तो अब हम इसमें ऊपर से चाट मसाला डालेंगे और मैं इसे सिंपली टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके साथ धनिया पत्ता का भी चटनी यूज़ कर सकते हैं और टमाटो की भी चटनी यूज़ कर सकते हैं।